जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइज हालांकि मेरी सभी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हर एक यूट्यूबर के लिए उसकी जो हर एक वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जो भी व्यक्ति अपना सिविल स्कोर बेहतर करना चाहता है ये वीडियो उनके लिए एकदम ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूँगा। देखिए जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल जो भी स्कैम होता है, जो भी फ्रॉड होता है, चाहे वह फाइनेंस से संबंधित है ठीक है या कोई भी है ठीक है, उसके रिलेटेड आपको मैं पूरे तरीके से जागरूक करता हूं, अवेयर करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि हम यहां पर आपको एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर रवि, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। देखिए मिस्टर रवि का सिविल स्कोर पूरे तरीके से बैंक और NBFCs के द्वारा ख़राब कर दिया गया था। वह किसी प्रकार की पेमेंट नहीं कर पाए थे। इन्हें क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं लॉकडाउन लग गया था और उससे पहले भी उनकी जॉब वगैरह चली गई थी। पहले वह लोन ऐप्स के चक्कर में पूरे तरीके से फंस चुके थे और फिर उसके बाद में बैंक्स वगैरह से लोन लिया तो उसका पेमेंट वे करने में असमर्थ रहे ठीक। तो उसके बाद में रवि जी को बताया जाता है कि मिस्टर रवि जी आप सिविल स्कोर ठीक करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? आपको 1300 का चार्जेस देना होगा। सिविल स्कोर ठीक कराने के लिए रवि ने काफ़ी सर्च किया, मतलब गूगल के माध्यम से, तो उन्हें कुछ ऐप मिली जिन्होंने कहा है उनसे कोई ऐप मांग रही है 999 रुपये, कोई मांग रही है 1399 रुपये, कोई ऐप कितने मांग रही है सिविल स्कोर ठीक करने के। तो गाइज आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर इस तरीके से सिविल स्कोर ख़राब होने लगे, ख़राब हुए सिविल स्कोर ठीक होने लगे, तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हैं और करोड़ों लोगों के सिविल ख़राब हैं, वो ठीक नहीं करा सकते क्या? ठीक कितना बड़ा, ऐसे तो बैंक और NBFCs को लॉसेस होना शुरू हो जाएगा ऐसा अगर होने लगा तो। देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे आप पैसा दें या कुछ भी दें, कोई भी सिविल इस प्रकार से ठीक नहीं होता है। ये एक फ्रॉड लोग हैं जो आपसे इस तरीके के वादे करते हैं, इस तरीके की आप लोगों से बातें करते हैं। अगर आप अपना सिविल स्कोर बेहतर रखना चाहते हैं तो देखिए आपको लगातार ऑन टाइम अपनी पेमेंट करनी होगी बैंक और NBFCs को, उससे आपका सिविल स्कोर कभी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब भी हो गया है तो देखिए आप कोई कार लोन वगैरह, मतलब सिक्योर लोन वगैरह ले लीजिएगा, उसके बाद में मे बी आपका सिविल स्कोर जो है बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा और टाइमली पेमेंट आप करते रहिएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम के साथ अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बाद में वो पेमेंट कर देते हैं, तो मेरे देखने में आया है उनका सिविल स्कोर बेहतर हो जाता है। बस आप ध्यान रखें कि आपका लोन राइट ऑफ ना हो किसी भी प्रकार से और आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में ना आए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप पैसा दे करके अपने सिविल को बेहतर कर सकें मेरी जानकारी के अनुसार। तो आप ऐसे किसी भी फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, क्योंकि देखिए आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए बहुत सारे लोग अब तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? मैंने देखा है जब से लॉकडाउन लगा है कोई आपसे जॉब के नाम पर पैसा मांगता है, कोई आपसे सिविल स्कोर बेहतर करने के नाम पर पैसा मांगता है, तो इसी प्रकार के इश्यूज सभी के साथ में चल रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप ऐसे किसी भी ऐप वगैरह में पैसा ना दें जो आपसे कहे कि आपका सिविल स्कोर हम लोग ठीक करा देंगे ठीक। अब आपका सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है पूरे तरीके से, उसकी सही जानकारी के लिए आप SBI की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कैसे आपको चेक करना है, क्या सारी चीज़ें हैं इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में SBI सिविल सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में सिविल रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है
तो आप एक काम करें, आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, सिविल चेक जय जनशक्ति लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। फिर आप गाइज उस पर अपना सिविल स्कोर चेक करें और अपनी सही रिपोर्ट वहां से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपका जो सिविल है इन्होंने गलत अपडेट कर दिया है, गलत तरीके से ख़राब किया है, आपने किसी बैंक या NBFC से लोन ले लिया है लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपका जो लोन अमाउंट है वहां पे शो कर रहा है, लोन अकाउंट्स में आपकी सारी डिटेल्स जो है वो गलत शो कर रही हैं, आप सिविल को डिटेल्स देंगे तो एक मंथ के अंदर अंदर विद इन एक मंथ, हालांकि 7 दिन का समय है अब तो, पहले 1 मंथ का होता था लेकिन मैं 1 मंथ ही आपको बता रहा हूँ, आपका सिविल स्कोर अगर गलती से ख़राब हुआ है तो आप उसको ज़रूर बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि पैसा लेकर के भाई सिविल स्कोर ठीक कराना है, ये सब चीज़ें हैं, आप यार खुद सोचिए ना, ये तो कॉमन सी बात है ना, अगर इस प्रकार से सिविल स्कोर ठीक होने लगे पैसा लेकर के तो पता नहीं कितने लोग ठीक करा लेंगे। तो गाइज़ आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है या नहीं रहा है, ठीक। और गाइज अगर आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। बाकी हमारा ईमेल आईडी है jaijanshakti@hotmail.com, आप हमें मेल करके उस पर सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, पूरे तरीके से उन्हें सही इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें। फिर मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कोविड को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिए हैं आप उनका अच्छे तरीके से पालन करें और सुरक्षित रहें।